सो अब हम चल रहे हैं अंबर की तरफ जी, ठीक है, तो क्योंकि नादिया कह रही है वो अपने अंदर खुश है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी उसको काजल वाली वो नहीं लगा नहीं नहीं नहीं, और फिर जो मेरे जो जो बहुत ज्यादा कपरी बाल मैंने बीच में कर लिए थे वो मुझे डाई वाला, हाँ, या तो बहुत ज्यादा लाल बाल थे या बहुत ज्यादा कॉपर टाइप बाल थे, वो मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हाँ जैसे अच्छा नहीं, अच्छा मुझे लगता है मेरे बाल हैं ये, क्योंकि इसमें मैं पहले ना अंदर काजल देती थी, नीचे भी लगा हुआ, और मैं पूरा लाइनर ना यहाँ एंड तक इनर कॉर्नर पे देख के बताओ कैसे क्या करती थी तुम, इनर पूरी मैं यहाँ तक इनर कॉर्नर पे मेरा लाइनर होता था, अंदर मेरी पेंसिल और नीचे भी मैं स्मज करती थी, तो मुस्तकिल अब मैंने ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया, अब मैं हार्डली आंखों पे लाइनर भी नहीं देती, बहुत होगा तो फैंसी कोई भी ना अगर बहुत दिल चाह रहा होता है तो वैसे मैं यहाँ हल्का देती हूँ जब सॉफ्ट मेकअप चाहिए, और बाकी नीचे भी ज़रा सा दिया, और सिर्फ न्यूट कलर लिपस्टिक और स्किन पे मेरा ज़्यादा एम्फसाइज है, आईब्रोज थोड़ी मेरी पहले से पतली है, भी पतली है लेकिन थोड़ी सी बनानी पड़ती है, आईब्रो मोटी करती हो कभी, हाँ मोटी की भी मतलब वैसे करो तो थोड़ी थोड़ी पतली है, हाँ तो थोड़ा सा मुझे बनानी पड़ती है आईब्रोज, एंड बाकी ये कि मेरा होता है कि स्किन बस अच्छी लगे ना, कि बेस अच्छा हो, सॉफ्ट बेस हो, और मैं बेस भी अगर कहीं कहीं हल्के हल्के दाने हैं, पिगमेंटेशन है जैसे हो जाती है, तो मैं उस पर सिर्फ ज़रा सा कोई कंसीलर नहीं लगाती, मैं डार्कर बेस अब मेरे पास से ज़ाया ना जाए, तो मैं वो डार्कर बेस अपने अगर हल्की से स्पॉट्स भी, पहले क्या करती थी हम तो बात यही कह रहे हैं, पहले मैं लगाती थी स्टिक, ठीक है, क्रायलॉन की जो स्टिक थी, पहले वो स्टिक पूरी स्टिक ज़्यादा बेस लगाती थी अच्छी तरीके से, हाँ ज़्यादा, अभी आओ आज का शो ही है ये बिफोर एंड, पहले मैं खूब स्टिक लगाती थी, हाँ। स्टिक के बाद फिर मैं उसको पूरे चेहरे पे ब्लेंड करके फिर पाउडर लगाती थी, उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगाया, और पाउडर के बाद भी, हाँ अच्छा फाउंडेशन भी लगाया, और फिर एंड में मैं डालती थी वो वाला जो आपका होता है वाटर बेस, इंडियन बेस वाटर बेस एक थिन, तो पूरी एक बोला उसके बाद फिर कॉन्टोर करना सारा, तो टाइम लगता था बेस के बाद, आप लोगों को सभी तो हाल तब हो जाता नहीं आए स्किन है बर्बाद हमारी गई एग्जैक्टली, अच्छा मैंने कभी भी इंडियन बेस नहीं लगाई कभी भी जिंदगी में, इसलिए मैं उसकी वजह बताती हूँ, ये नहीं कि मुझ पे मतलब कि वो लगाए लगाने की कोशिश नहीं करते थे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट थे, मैं हमेशा से अपनी स्किन पे क्योंकि मेरे दाने होते थे, यू नो मुझे हमेशा से यू नो होता था एक्नी प्रोन स्किन मेरी थी, तो मैं अपने दानों पे ना जो दवाई लगाती थी तो मेरी स्किन पील करती थी, ओके वो तो पीलिंग स्किन के ऊपर, पीलिंग स्किन के ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगा के स्टिक लगा के ऑयल बेस के ऊपर अगर आप पानी लगाएंगे तो वो फट जाती थी, एग्जैक्टली अगर ड्राई स्किन में तो लगाते नहीं ना, उसके फिर वेट केक्स भी हैं, ये तो मैं बता रही हूँ, अगर मेरी स्किन सही थी तो वो, अगर आपको पता है कि जब आपकी ड्राई स्किन है तो आप वेट केक लगाएंगे तो वो ऑयल नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो ऑयल बेस के ऊपर जब मैं पानी लगाती थी, कोई मेडिसिन लगाती तो आपकी ड्राइनेस है, ड्राइनेस पहले मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप पाउडर नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मेरी स्किन पे लगता ही नहीं, अब जैसे अच्छा अब जैसे तुमने तुम्हारे अंदर फर्क ये आया कि तुम पहले चार तहें बेस की लगाती थी, यस अब एक ही तह होती है, पतली बेस लगा, पतली बेस लगा ली, प्लस पहले जैसे मैं बताया मैं लाइनर बहुत लगाती थी और एंड इनर कॉर्नर तक लगाती थी चोज बना, अभी जैसी है बिल्कुल, हाँ ये तो पुरानी निकाली है थोड़ी सी, ये ओल्ड है, इसमें भी शिमर वाली लिपस्टिक चलती थी, हाँ तो ये ओल्ड है, देखो तो आप, हाँ तो चेंज नहीं आया ना, मैम स्टिल यू नो, हाँ नहीं कहने का मकसद है कि लाइक मेकअप के हवाले से तुम ग्रूम्ड हो उस वक्त भी, अच्छा मुझे मेकअप के हवाले से मेकअप इसको शुरू से मैं सबसे बाकी नहीं निकली यार, मैं बचपन से मुझे शौक था मेकअप का, इसमें थोड़ी सना जावेद जैसी लग रही, इसमें थोड़ी सना जावेद जैसी लग रही है, थैंक यू, मैं देखो लेकिन ये जो है ना इसका मेकअप कंट्रोल्ड है, ओवर मेकअप नहीं है, एक है जो काजल वाला मैं करती हूँ तस्वीर देखेंगे तो सारी अच्छी देखो जो इन्होंने खुद किया है ना मेकअप, ये याद रखो दिया अपनी वो करली बालों वाली, इन्होंने जो खुद नहीं होंगे ना मेकअप वो अलग है, जब हम मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करता है, हमने ड्रामा हमने शूट्स ऐसे किए वो उसमें फिर हम उनको कैरी करते हैं, दरअसल अब नादिया अगर कोई शूट करेगी तो नादिया चाहेगी जो मैंने लुक डिजाइन की है मेरी मॉडल वही कैरी करे, है ना, ये तो फिर शूट से तो बाउंड होते थे कि हमें वो कैरी करना है, चाहे काजल आंखों से पतली है तो काजल वाली खूब सारी, अच्छा तुम्हारी शायद तस्वीरें इतनी कोई मिली नहीं कि तुम्हें टाइम नहीं मिला ना देने का, तुम हमें वर्बली बताओ ये
ये तस्वीरें मैंने खूब आइस की हुई है, टू मच ब्लैक. हम लोग गए हुए थे फ्रेंड्स पीसी भूरबंद वहाँ पे, तो यहाँ पे हम खूब तैयार हो रहे हैं. तो अच्छी लग रही है लाइट लिपस्टिक के साथ. नहीं मगर आंखें तो अभी भी तुम डार्क करती हो, इतनी तुम्हें अच्छा मेकअप आता है. वो तो मैं शुरू से, मुझे शौक है. ठीक है, तुम्हें शुरू से मेकअप आता था? मुझे बचपन से शौक है. आई वाज क्रेजी आफ्टर मेकअप. मेरा बस किरण हमेशा मम्मी कहती थी खबरदार अगर तुमने मेकअप लिया, और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं मेकअप खरीदू. और किरण को हमेशा होता था कि मुझे डांट पिटे, मम्मी से कहती मम्मी इसके हाथ देखे पीछे है लिपस्टिक. हम लोग गए थे लंदन, मुझे इतना शौक था, पैसे मिले थे कि चुपके से मैंने ना जाके बताया लिपस्टिक ली थी. अब एट्थ नाइन्थ क्लास में, मैं एट्थ क्लास में थी, तो मम्मी के खबरदार मेकअप किया बिल्कुल नहीं, तो मैंने ले लिया. किरण ने कहा क्या लिया, मैं कहा कुछ भी तो नहीं है. कह लेंगे अच्छा बताती, वो ऐसी थी किरण लिटरली. और मम्मी हम जाएं गिन्नी के हाथ में देखी पीछे किसने लिपस्टिक ली है, वो उस वाले काउंटर से ना छोटी सी. फिर मम्मी डांटे, मना किया है ना मेकअप नहीं अच्छा लगता अभी से बहुत छोटी हो. तो मुझे जब से मैं, जब ब्यूटिशियन भी नहीं थी निदा, मैंने अपनी भाभी को दुल्हन बनाया. मैंने अपनी की हर दुल्हन मैंने बनाई, की बच्ची दुल्हन बना दी, परफेक्ट देख देख के पूछ पूछ के जब अपना मेकअप किया कुछ करके जो स्टिक्स था उससे. लेकिन माशाल्लाह जब भी मेकअप कराया हमेशा बेसिकली आप किसी का मेकअप कर रहे हैं ना, तो इसका भी मैंने शूट किया हुआ है नादिया का. जब वो तो बात पर देखो तो, मैं किरण किरण और अंबर का मैं डिफरेंस बताऊंगी कि किरण जो है वो हमेशा से नो मेकअप बहुत हल्का मेकअप. और ये मैडम जो है ये वही बात की नहीं, उसको शौक है तो लगाना है. मैं तो ग्लिटर भी लगाऊंगी, लाइन भी लगाऊंगी, जा भी तो डिफरेंट कलर्स फिरोजी भी लगा कर आऊंगी. तो मुझे आई लव मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मेरा मतलब ये कि अब अपना मेकअप, पहले जो इतना मैं दे लगाती थी अपना, मैं मिनटों में कर सकती हूँ. मैं ब्रश भी नहीं इस्तेमाल करती, बस मुझे चाहते हैं यहाँ शाइन हो तो मैं डन लगे. अगर मैं तुम देखो, तुमने सिर्फ एक बेस का बताया, तुमने बेस तुम्हें समझ आया कि मेरे स्किन इतनी खराब है ही नहीं, मुझे चार तह नहीं लगानी. ठीक है, और क्या ऐसा है जो तुम्हें लगा कि यार ये मैं क्या करती थी? मैं कभी भी अंदर जब लगाया ना, कहीं बैठे भी मेकअप करवा रहे शूट्स के लिए, जिसने यहाँ कर दिया ना काला या डार्क, उफ मुझे अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती. मैं कहती थी प्लीज अंदर यहाँ काला नहीं, मैं यहाँ तक काजल बर्दाश्त नहीं कर सकती. आधी आंख पे लगाती हूँ, हाफ हाफ, और ऊपर मैं पूरी लगाती थी, अंदर चोच बना ली. उससे जरा हार्श लुक आती, सॉफ्ट लुक नहीं आती. पहले मैं करती थी और तो तुमने ये सीखा, ये सीखा और क्या है ऐसा. फिर अगर मैं लगा भी रही हूँ तो उसको बालों के ऊपर सीखा, बालों के डाये वाये तुमने बहुत सारा कुछ. मैं कहती हूँ बाल से तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती. तो तुमने बहुत काफी पहले ही तुम वो थी जिसने ब्लॉन्ड करना शुरू कर दिए थे. मैं पहले बालों का कलर तो मुझे नहीं था जब तक शादी नहीं हुई थी, मगर शौक था कॉलेज में, तो मेरे बाल घने और स्टेप्स में कटे हुए. तो मैं रात भर रोलर्स लगा कर, अब वो मम्मी लगाती थी रोलर्स, वो फ्लेक्सेस आते थे. तो मैंने उनसे सीखा मम्मी कैसे गीले गीले नमी पानी लगा के रोलर्स, उनको 6 घंटे चाहिए सूखने में.